नमस्कार, मैं हूं आनंद कुमार। स्वागत है आप सभी लोगों का कंपटीशन कम्युनिटी में। कंपटीशन कम्युनिटी का खास CGPSC और व्यापम के पैटर्न पर आधारित मोबाइल कोर्स लॉन्च हो चुका है। इस मोबाइल कोर्स के माध्यम से आप देश के किसी भी कोने में बैठकर कहीं से भी CGPSC या फिर व्यापम की तैयारी बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस मोबाइल कोर्स की खास बात यह है कि इस मोबाइल कोर्स में आपको मिलेंगे CGPSC और व्यापम के पैटर्न पर आधारित 200 से अधिक वीडियो लेक्चर्स। इसके साथ ही यहां आपको मिल रहा है ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, वो भी 3000 से अधिक विशाल प्रश्नों के संग्रह के साथ। पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित क्या होगी खास बात, सुनिए हेमंत प्रधान सर से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ हेमंत प्रधान। मोबाइल कोर्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट और केमिस्ट्री। मोबाइल कोर्स में मेरे वीडियो की विशेषता यह है, ये पूरी तरह से सटीक है, महत्वपूर्ण संग्रह होंगे इसमें, और सबसे बड़ी खास बात, ये पूरी तरह से एग्जाम स्पेसिफिक होगा। तो देर किस बात की, आइए और हमसे जुड़िए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन कम्युनिटी के इस वीडियो प्लेटफॉर्म में मैं हेमंत प्रधान आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम कहते हैं रक्षा प्रौद्योगिकी यानी कि डिफेंस टेक्नोलॉजी। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं कोई ना कोई एग्जाम में, तो आपको इसे बहुत केयरफुली समझना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि रक्षा प्रौद्योगिकी क्या है और रक्षा प्रौद्योगिकी संबंधित क्या वो जरूरी फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। हमने इस टॉपिक को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से कवर करने की कोशिश की है और इसे हम कुछ सब पार्ट यानी उप भागों में बांट देते हैं। रक्षा प्रौद्योगिकी अंतर्गत हम DRDO को पढ़ेंगे, मिसाइल्स को पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण मिसाइल्स और उनसे संबंधित सबू फैक्ट्स को पढ़ेंगे, और इसके बाद निगरानी प्रौद्योगिकी, ड्रोन, राडार आदि के बारे में अध्ययन करेंगे, और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उत्पाद, फिर रक्षा क्षेत्र के कार्यरत जितनी भी जो संयुक्त उपक्रम है यानी कि PSUs है या कह सकते हैं आपकी कंपनियां कार्यरत हैं, इनको देखेंगे। ठीक है, तो इसे हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले DRDO से। DRDO क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1958 में, और जैसे DRDO का जैसे ही नाम लिया जाता है तो DRDO से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो DRDO का मुख्यालय कहाँ है पूछा जाता है, तो सबसे पहले हमको कन्फ्यूज़न होता है वो हैदराबाद होगा या बेंगलोर होगा या कुछ और होगा। याद रखिए, DRDO का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और DRDO भवन भी वहीं न्यू दिल्ली में है, तो आप आसानी से उसे रिलेट कर सकते हैं कि DRDO का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है, यानी इसे बहुत आसानी से समझ गए आप। अब देखिए, यदि आप DRDO के बारे में थोड़ा सा और जानना चाहें तो इसे इस प्रकार समझें कि DRDO भारत की सबसे अग्रणी संस्था है डिफेंस उत्पाद ये बनाने में, यानी रक्षा उत्पाद बनाने में, जिसमें कि आप मिसाइल शामिल हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट शामिल हो सकते हैं, कुछ जैविक हथियार हो सकता है, ड्रोन्स हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें ये सब डेवलप करती हैं। ठीक है, नए प्रकार के इंजन वगैरह भी आप ये डेवलप कर सकते हैं, तो ये आपका इनका रक्षा उत्पाद का कुछ वो मैंने उदाहरण बताया। उसके बाद कि DRDO का प्रमुख कौन होता है, DRDO का प्रमुख जैसे वो होता है रक्षा मंत्री भारत का, और जो DRDO का जो महानिदेशक होता है डायरेक्टर जनरल, वो जनरली क्या है, वो रक्षा मंत्री को रिपोर्ट करते हैं, जो काफ़ी एक जानकार व्यक्ति होते हैं। और जैसे कि अभी वर्तमान में DRDO को जो महानिदेशक हैं जी सतीश रेड्डी क्या हैं, DRDO के महानिदेशक हैं, तो इसे जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ये भी एग्ज़ाम के लिहाज से महत्वपूर्ण है। अब यदि आप DRDO के कुछ फैक्ट्स जान गए हैं तो इसके बाद हम बात करेंगे कि DRDO क्या है। बेसिकली जैसे मैंने बताया था कि भारत में अलग अलग प्रकार के टेक्नोलॉजी का एक क्रमिक विकास हुआ है, जैसे कि हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी वाली क्लास में देखे थे, तो वैसे ही रक्षा क्षेत्र में भी इसका क्रमिक विकास हुआ है। तो जैसे DRDO की स्थापना वर्ष 1958 में हुई थी, उसके बाद क्रमिक रूप से इसका विकास होते गया, और आज जब हम वर्ष 2019 में हैं तब तक इनके पास क्या है, बहुत सारे वो एरिया डेवलप हो गए, बहुत सारे उत्पाद डेवलप इन्होंने कर लिया, और कहीं ना कहीं ये सीधा भारत की जो रक्षा क्षमता को ये इन्हेंस किए यानी कि बढ़ाए। ठीक है, तो यदि आप DRDO के बारे में इतना भी जान लें, स्थापना कब हुई, महानिदेशक कौन है, किनको रिपोर्ट करते हैं, यानी मुखिया कौन होता है,
हेडक्वार्टर कहाँ होता है और क्या क्या उत्पाद बनाते हैं, तो ये आपका बेसिक चीज़ें इससे कवर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका देखते हैं कि जैसे जब क्रमिक विकास के दौर में कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है, जैसे कि हमने स्पेस में देखा था, किनका देखा था, स्टार्टिंग के फेज से, है ना। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जब बना था डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम से बना था, तो विक्रम साराभाई एक महान हस्ती रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे क्रमिक रूप से आगे बढ़ते गए सतीश धवन वगैरह, ये तो इस प्रकार इनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। वैसे ही यहाँ पे रक्षा प्रौद्योगिकी में भी एक बहुत महत्वपूर्ण पर्सन का बहुत बड़ा योगदान है, उनका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। जी हाँ, भारत को मिसाइल क्षेत्र में जो आत्मनिर्भरता जिस व्यक्ति ने दिलाई, उनका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और उन्होंने वर्ष 1983 में बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिसका नाम है IGMDP, यानी कि एकीकृत मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP। और उसे वर्ष 2008 में क्या कर दिया गया, सफलतापूर्वक उसे समाप्त कर दिया गया। और उसके आधारित हम देख रहे हैं ये कुछ मिसाइल्स हैं, इसको मैं अभी विस्तार से बताऊंगा, तो इसमें उनका ही बड़ा योगदान रहा है एवं उनकी टीम का भी। डॉक्टर कलाम को किस नाम से जाना जाता है, हर कोई, बहुत आसान सा सवाल है, मिसाइल मैन कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि मिसाइल क्षेत्र में आत्मनिर्भरता इनके कारण ही भारत को मिली थी। दूसरा, अगर मिसाइल वुमेन पूछा जाए, मिसाइल वुमेन पूछा जाए, तो ये नाम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, टेसी थॉमस। इन्हें अग्निपुत्री भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अग्नि सीरीज की मिसाइल बनाने में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, तो टेसी थॉमस का नाम भी जरूर याद रखिए, इन्हें मिसाइल वुमेन एवं अग्निपुत्री कहा जाता है। ठीक है, यदि इतना पार्ट आपने समझ लिया तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसकी सेकेंड उप पार्ट को, मिसाइल। मिसाइल जैसे देखते हैं, इसका एक बेसिक शेप मैंने ऐसा बताया कि मिसाइल में क्या होता है कि ये बॉडी वाला पार्ट होता है, ऊपर एक वॉरहेड होता है। इस वॉरहेड में आप क्या कर सकते हैं, आप जो भी परंपरागत जो भी ईंधन भरना चाहें, बारूद भरना चाहें, जो भी ऐसे विस्फोटक भरना चाहें, ये भर सकते हैं। तो एक परंपरागत रूप से हो सकता है, दूसरा इसमें क्या कर सकते हैं, रेडियो एक्टिव विस्फोटक डाल सकते हैं, है ना, इसमें परमाणु जैविक यानी कि न्यूक्लियर हथियार इसमें भर सकते हैं, यानी कि ये वॉरहेड बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है मिसाइल का। ठीक है, तो मिसाइल का एक बेसिक शेप है, उसका एक बॉडी होगा, एक वॉरहेड होगा, वॉरहेड एक्चुअल में जाके वो सीधा क्या करेगा, आघात करेगा और सामने वाले को नुकसान पहुंचाएगा। तो प्रकार में यदि आप देखें मिसाइल के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, तो इनके प्रकार को अलग अलग प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं, जैसे इनकी गति के आधार पर, इनके पथ के आधार पर, किस पाथवे में ये को फॉलो करता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं इनमें जो जो प्रोपल्सन होता है यानी प्रणोदक होता है, वो कौन सा इंजन लगा है, वो सामान्य ईंधन लगा इंजन लगा है या रैमजेट लगा है, स्क्रैमजेट लगा है, या फिर कह सकते हैं क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ हुई है, इस प्रकार के आधार पे आप क्या है उन्हें बांट सकते हैं। ठीक है, और एक होता है कि आप उनके रेंज के आधार पे यानी परास के आधार पर भी कह सकते हैं, ये कम दूरी वाला है, मध्यम दूरी वाला है, मध्यम से ऊपर दूरी का है या ज़्यादा दूरी वाला है, तो इसे हम इस प्रकार भी बांट सकते हैं। तो सबसे पहले प्रकार देखते हैं कि हम गति के आधार पर, गति के आधार पर अगर देखें तो मिसाइल को क्या करते हैं, सबसोनिक, सुपरसैनिक और हाइपरसोनिक में बांटा जाता है। सबसोनिक क्या है, जिसकी गति ध्वनि की गति से कम होती है, यानी कि एक मैक, ठीक है, मैक भी क्या एक यूनिट है गति मापने की, एक मैक से कम होती है, जैसे 0.8 हो गया, 0.9 हो गया, तो ऐसी मिसाइल को हम क्या कहेंगे, सबसोनिक मिसाइल कहेंगे। दूसरा सुपरसैनिक, सुपरसोनिक उसकी गति क्या है, 2 से 3 मैक के बीच हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, सुपरसोनिक मिसाइल कहेंगे। और तीसरा कहेंगे हाइपरसोनिक, जिसकी गति 5 मैक से ज़्यादा हो, तो ये क्या हो गया, आपका हाइपरसोनिक मिसाइल हो गया। तो ये तो आपने देखा गति के आधार पर, है ना। जैसे कि हम देखते हैं स्टार्टिंग में जैसे जितने भी जो मिसाइल होते थे वो क्या करते थे, सबसोनिक स्पीड वाले होते थे। ठीक है, अब उसके बाद जैसे ब्रह्मोस सीरीज वाले आ गए, सुपरसोनिक हैं वो, और हम हाइपरसोनिक भी बना रहे हैं और ऑलमोस्ट बना चुके हैं कह सकते हैं। तो ब्रह्मोस 3 जो है एक्चुअली वो हाइपरसोनिक होगा,
है ना, और ब्रह्मोस 2 तो सुपरसोनिक है ही। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि इनकी गति के आधार पर सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक तीन श्रेणी विभाजित है। ठीक है, इसे जरूर याद रखिए, क्योंकि आपको ये भी कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, एक मैक तो सबसोनिक, दो से तीन मैक तो सुपरसोनिक, पांच मैक से अधिक तो आप क्या कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं आपका हाइपरसोनिक। क्लियर हो गया, ये है आपकी गति के आधार पर। अब यदि गति के आधार पर इसके करने के बाद अगर आप दूसरा चीज देखते हैं तो वो होता है इनके पाथवे के आधार पर, पथ के आधार पर। तो पथ के आधार पर एक होता है क्रूज मिसाइल और दूसरा होता है जो होता है बैलिस्टिक मिसाइल। तो बैलिस्टिक मिसाइल को और क्रूज मिसाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इसे समझिए और इनमें दोनों में अंतर भी बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। ठीक है, क्रूज मिसाइल को और बैलिस्टिक मिसाइल को किसके आधार पर हमने विभाजित किया, उनके पथ के आधार पर। अब देखिए, कोई ऐसी मिसाइल जो पृथ्वी के वायुमंडल को क्रॉस करके लाइक दिस ऐसा जाए, वायुमंडल को क्रॉस किया और फिर गुरुत्वाकर्षण का प्रयोग किया, तो उसे हम बैलिस्टिक मिसाइल के अंतर्गत रखेंगे, यानी कि एक बैलिस्टिक पाथवे यूज करेगा। ठीक है, तो इसे इस प्रकार देखें, मान लो इसे ऐसा करें और यहाँ पे आपको टारगेट करना है, तो ये ऐसा हो सकता है और ऐसा, तो यहाँ तक उन्होंने वायुमंडल को क्रॉस कर लिया और वायुमंडल क्रॉस करने के बाद इधर क्या यूज किया, गुरुत्वाकर्षण बल का प्रयोग उसने किया, तो ये बैलिस्टिक पाथवे है। बैलिस्टिक पाथवे का आप एक सिंपल सा मीनिंग आप समझ गए होंगे, ये बैलिस्टिक पाथवे का यूज करेगा। बैलिस्टिक मिसाइल जो है हमेशा गुरुत्वाकर्षण का बल का प्रयोग करता है और वायुमंडल से बाहर जाता है, और इनकी दूरी के आधार पर हम क्या कह सकते हैं, यदि ये बैलिस्टिक मिसाइल सामान्य कह दिए तो कम दूरी वाला हो सकता है, यदि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल वर्ड मैंने यूज कर दिया, घबराइए मत, ये वर्ड ICBM, ठीक, तो ये क्या है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी दो महाद्वीपों के बीच का जो है डिस्टेंस कवर करते हुए जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, ये चीज अगर आप समझ गए होंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि बार बार ये वर्ड यूज होंगे, मैं बार बार यूज करूंगा ICBM तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बोलेंगे, अगर MRBM यूज किया तो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, MRBM वगैरह हो जाएगा। मैं SRBM यूज कर दूंगा तो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हो जाएगा। तो शॉर्ट रेंज का मतलब 1000 किलोमीटर के अंदर, मीडियम रेंज का मतलब 1000 से ऊपर कह सकते हैं, एक इंटरमीडिएट वर्ड भी आता है, तो इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अगर आता है IRBM तो वो समझ जाएगा आपका इंटरकॉन्टिनेंटल से जस्ट पहले, यानी 5000 किलोमीटर के ऊपर वाला इंटरकॉन्टिनेंटल, 5000 से कम वाला और 3000 के ऊपर वाला वो क्या हो जाएगा, आपका इंटरमीडिएट रेंज हो जाएगा, और 1000 से 3000 के बीच में जो रेंज, किलोमीटर के रेंज में जो आएगा वो क्या होगा, बेसिकली वो होगा मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। और सिंपल सी बात है, सबसे पहला जो मैंने वर्ड बताया SRBM, जिसकी दूरी होगी 1000 किलोमीटर के अंदर, तो उसे हम क्या कहेंगे, SRBM बैलिस्टिक मिसाइल। आई होप इतना दूर आपको क्लियर है, आगे बढ़ें। ठीक है, तो अगर आपने इतना कर लिया है तो अब देखिए, हमने पहले क्या देखा, हम उनके स्पीड के आधार पर देखा, गति के आधार पर देखा, दूसरा हमने क्या देखा, इनके पथ के आधार पर देखा। तो पथ के आधार में बैलिस्टिक को हमने देखा, अब क्रूज को भी देख लेते हैं। तो क्रूज मिसाइल क्या है, क्रूज मिसाइल को सबसे पहली बात, जो जो पॉइंट्स मैंने बैलिस्टिक में बताया था उससे अलग होगा ये, तो यानी कि ये वायुमंडल के अंदर ही जेट विमान टेक्नोलॉजी जैसे उड़ती है ना, उसका प्रयोग करता है। यानी कि आपने पढ़ा होगा कि जितने भी जेट विमान कहाँ उड़ते हैं, सम तापमंडल में उड़ते हैं, यानी कि वायुमंडल के अंदर अंदर ही उड़ते हैं ये, और इसी जेट विमान प्रौद्योगिकी का प्रयोग करता है क्रूज मिसाइल। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज नहीं करेगा, ये कम ऊंचाई वाले में भी उड़ सकता है, इसलिए कई बार ये राडार के पकड़ में नहीं आता। तो बहुत एक इंपॉर्टेंट, टॉमहॉक मिसाइल का नाम सुने होंगे, जो अमेरिका का है, वो क्रूज मिसाइल है, बहुत ही खतरनाक है। तो ये जो मिसाइल है ये कम हाइट में उड़ता है, वायुमंडल के अंदर उड़ता है, और याद रखिए
इस मिसाइल को लॉन्च करने के बाद आप आधा दूर ट्रेवल कर भी लिया है तो उसे हम डाइवर्ट कर सकते हैं, तो उसकी गति दिशा सब हम बदल सकते हैं। तो ये क्रूज मिसाइल का, जैसे बहुत फेमस जो क्रूज मिसाइल है वो क्या है, वो है ब्रह्मोस। तो ब्रह्मोस जो है एक ऐसा मिसाइल है जो बहुत ही खतरनाक और दुनिया को हिला देने वाला मिसाइल है, ठीक है, तो जिसे हम बात करेंगे। तो क्रूज मिसाइल का मीनिंग समझ गए आप कि ये वायुमंडल के अंदर जाएगा, अंदर ही ट्रेवल करेगा, जेट विमान पद्धति का प्रयोग करता है और इसे लॉन्च करने के बाद भी इसी दिशा और गति को हम बदल सकते हैं। और इसमें जो है ये दागो और भूल जाओ एक होता है ना, लॉन्च एंड फॉरगेट, एक बार दाग लिया और वो भूल जाओ, वो उस टेक्नोलॉजी पे भी काम करता है, कर सकता है, यानी कि ये कौन सा क्रूज मिसाइल, यानी कि एक कोई दिशा हमने दे दिया, उसे एक टारगेट दे दिया, लॉन्च कर दिया, मान लो टारगेट वहाँ चेंज भी हो गया तो उसे ढूंढ के मारेगा, ठीक है। तो याद रखिए बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। तो आई होप आप समझ गए क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में क्या अंतर है। आपको इसमें डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, ब्रह्मोस क्या है, आपका क्रूज मिसाइल है, और बैलिस्टिक मिसाइल का अंतर्गत आ जाएगा पृथ्वी, आ जाएगा अग्नि परिवार की मिसाइल जो आती है वो क्या है, बैलिस्टिक वाले मिसाइल होते हैं। क्लियर हो गया। एक लाइन में देखिए, अग्नि सीरीज के परिवार, अग्नि परिवार यानी अग्नि 1 से लेकर अग्नि 6 तक है, पृथ्वी 1, 2, 3 ये सब क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल है। तो याद रखिए आपको एग्जाम में जब आएगा तो ये दो ऑप्शन को आसानी से आप एलिमिनेट कर सकते हैं और सही आंसर को टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आपका क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल हो गया, जो इसके पाथवे पे आधारित था। अब देखते हैं कि आप कुछ और चीज़ों को अगर आप गौर से देखेंगे तो कुछ चीज़ें आपको समय के साथ भारत में विकसित होते हुए मिली हैं। जैसे कि जब हम भारत में क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी लेके आए वर्ष 2009-10 के समय में, तो उस समय जो विकसित, उससे पहले जो विकसित होती थी वो टेक्नोलॉजी अलग होती थी और वो ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा प्रोपल्शन चाहिए ऐसी मांग को पूरा करने के लिए बहुत कठिनाई महसूस होती थी। जब से हम क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी लाए हैं तब से हमारा काम बड़ा आसान हो गया है। इसके अलावा जैसे और रैमजेट, स्क्रैमजेट वाले जो इंजन्स बन रहे हैं उसके कारण भी भारत को बहुत फायदा हो सकता है, ठीक है। तो याद रखिए आपका ये प्रकार में कुछ और भी देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि परास के आधार पर, दूरी के आधार पर, तो दूरी के आधार पर वापस से वही को मैं रिपीट करूँगा, SRBM हो सकता है ना, इसके बाद MRBM हो सकता है, MRBM हो सकता है, और इसके बाद हो सकता है IRBM हो सकता है, इसके बाद ठीक है इंटर ICBM हो सकता है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो सब की दूरी के आधार पर ये देख रहे हैं आप, है ना। अब इनमें क्या होता है कि कुछ जो मिसाइल होते हैं वो सरफेस टू सरफेस होते हैं, कुछ जो होते हैं सरफेस टू एयर होते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वो परास को आपने तो देख लिया, लेकिन आप क्या करते हो, मिसाइल किस प्रकार लॉन्च की जाती है और किसको अटैक करती है उसके आधार पे आप क्या करेंगे, इसे सतह से सतह हो सकता है, ठीक है। तो मैं इसे S2S कहूँगा, सरफेस टू सरफेस, सतह से हवा हो सकता है, ठीक है, ये समझ गए। और अगर आपको देखा जाए तो हवा टू हवा भी हो सकता है, यानी इसके अलावा और भी कैटेगरी आ सकती है। तो ये लॉन्च कहाँ से की जाती है और अटैक किसको करता है इसके आधार पर है। तो ये कुछ प्रकार हैं, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं फिर से रिपीट करूँगा, तीन टाइप, इनके प्रकार से तीन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको तीनों बताया। पहला इसके गति के आधार पर, जिसे हम क्या कहें, सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। दूसरा इनके पथ के आधार पर, क्रूज मिसाइल या बैलिस्टिक मिसाइल। और तीसरा इनके परास के आधार पर, या फिर जहां लॉन्च की जाती है, जहां अटैक करता है इसके आधार पर, ठीक है। तो ये आप इसकी पूरी लिस्ट हम अभी फिर से देखेंगे, जो हमारे महत्वपूर्ण मिसाइलें इस टॉपिक में अभी इधर मेरे इधर लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे होंगे, तो ये चीज़ें हम कवर करेंगे, ओके। तो यदि आप इतना समझ गए हैं तो हम तुरंत अगले क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो याद रखिए मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम भारत में वर्ष 1983 में स्टार्ट हुआ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एवं उनकी टीम इसे स्टार्ट किए, डॉक्टर कलाम साहब इसे नेतृत्व कर रहे थे
और एकीकृत परमाणु विकास, एकीकृत मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो आया था, इसमें देखते वर्ष 1983 से प्रारंभ हुआ और वर्ष 2008 में सफलतापूर्वक इसे समाप्त कर दिया गया। और उस समय जो स्टार्टिंग फेज में जो डॉक्टर कलाम ने एवं उनकी टीम ने कुछ महत्वपूर्ण मिसाइल बनाए थे, उनका नाम देखिए, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। इसे कैसे याद रखेंगे, ट्रिक से पटना, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, ये हमारे बेसिक मिसाइल है, स्टार्टिंग के जो बेसिक मिसाइल हैं वो हैं। थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ पृथ्वी क्या है। जैसे पृथ्वी मिसाइल क्या है, ये सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। मैंने कहा था आपको कि पृथ्वी परिवार और अग्नि परिवार की मिसाइलें क्या होती हैं, बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं। तो पृथ्वी मिसाइल क्या है, आपका सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। अब इनका परास भी अलग अलग हो सकता है, रेंज भी हो सकता है। जैसे इसका सामान्य रेंज 150 से लेकर 350 किलोमीटर के आसपास होता है। आने वाले समय में इस परास को हम बढ़ा भी सकते हैं डेफिनेटली। और ख़ास बात क्या है, पृथ्वी वन आया, पृथ्वी टू आया, तो इसके बाद जब पृथ्वी थ्री आता है तो पृथ्वी थ्री को ही हम क्या कहते हैं, धनुष मिसाइल कहते हैं। ठीक है, याद रखिए पृथ्वी थ्री और धनुष मिसाइल दोनों एक ही चीज़ है। और ये क्या है, धनुष एक्चुअल में एक नेवल वर्जन है, नौसेना संस्करण है पृथ्वी मिसाइल का, समझ गए। तो धनुष को आप सीधा सीधा क्या है, एक्चुअली वो पृथ्वी थ्री है, ये ही जानेंगे। फिर आता है अग्नि सीरीज की मिसाइल। ये तो भारत में मिसाइल क्षेत्र में जो क्रांति आई थी वास्तव में इसके कारण आई थी कह सकते हैं, क्योंकि हम इसका लगातार डेवलपमेंट करते ही आ रहे हैं और वर्ष 2008 तक हम अग्नि 5 तक हम पहुंच चुके थे। और अग्नि 6 मिसाइल जब आई तो अग्नि 6 मिसाइल जो है वो वर्ष 2008 के बाद आई है, और उस समय एकीकृत मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IGMDP समाप्त हो चुका था। और जो टेसी थॉमस मैंने नाम दिया, उनका बहुत बड़ा योगदान है अग्नि 6 में। ठीक है, तो याद रखिए ये चीज़। और अग्नि के बारे में भी हम डिटेल पढ़ेंगे, इनके रेंज अलग अलग हैं, है ना। और इनका जो कहना चाहिए, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली क्या है, इसे हम देखेंगे। इसके बाद त्रिशूल जो देखते हैं, त्रिशूल मिसाइल, जैसे हम ऐसा कैसे देखेंगे, ये ऐसा मारते हैं आप त्रिशूल को, तो सतह से हवा की ओर है ये बेसिकली, और ये कम ऊंचाई का जो है, जो मिसाइल होते हैं उनको ये अटैक कर सकता है, यानी कह सकते हैं कि कम ऊंचाई वाले क्षेत्र में खुद भी उड़ता है और कम रेंज में ये होता है। ठीक है, नाग मिसाइल बहुत महत्वपूर्ण है, नाग मिसाइल का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका है। इसके बारे में क्या कहें कि नाग मिसाइल जो है ये है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, यानी कि पहला तो ये कम दूरी वाला हो सकता है, दूसरा कि इसे आप कोई भी हेलीकॉप्टर, जैसे हमारा ध्रुव हेलीकॉप्टर है या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के द्वारा निर्मित जो और दूसरे हेलीकॉप्टर हैं, तो उन हेलीकॉप्टर से डायरेक्ट लॉन्च कर सकते हैं। और ये भी क्या है, क्रूज मिसाइल है कहना सकते हैं, ये जाके ढूंढ के मारेगा उनको। ठीक है, आकाश मिसाइल जो है ये क्या है, सरफेस टू एयर वाली मिसाइल है। और आकाश मिसाइल के बारे में भी खास बात कुछ है कि वो भी कम दूरी वाली है, और ये क्या कह सकते हैं कि काफ़ी कम दूरी वाले जब जो हमारे पास दुश्मन आते हैं तो उस क्षेत्र में उसे उस समय ये बहुत उपयोगी हो सकता है। स्पीड होता है, जैसे कम दूरी में हैं और आप बहुत तेज गति से प्रघात कर रहे हैं, जैसे कि सुपरसोनिक हो गया फॉर एग्जांपल, तो सोचिए सामने वाले को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये आकाश क्या है, सुपरसोनिक मिसाइल है। ठीक है, तो ये बेसिक वर्जन आपने देखा, तुरंत 2 मिनट में रिवाइज करते हैं। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी 1 बैलिस्टिक मिसाइल है, अग्नि भी बैलिस्टिक मिसाइल है, पृथ्वी 1, 2, 3 तीन रेंज आ चुके हैं। पृथ्वी 3 को हम धनुष कहते हैं, जो उसका नेवल वर्जन है, अग्नि सीरीज के 1 से लेकर 6 तक, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, अग्नि 6 के तौर पे हम देखते हैं मिसाइल विकसित हो चुके हैं। अग्नि 5 तक का जो है वो IGMDP के अंतर्गत विकसित हुआ था, और अग्नि 6 का जो श्रेय है टेसी थॉमस को जाता है, जो एक महत्वपूर्ण मिसाइल है आज के डेट में, जो इंटरकॉन्टिनेंटल है।
ठीक है, अंतर महाद्वीपीय मिसाइल है। त्रिशूल जो है कम ऊंचाई की दूरी पे उड़ने वाला एक मिसाइल है और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है भारत के लिए। नाग मिसाइल है ना, ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और इसे हेलीकॉप्टर से भी लॉन्च कर सकते हैं, ढूंढ के मारता है, दागों और भूल जाओ पे आधारित होता है। आकाश मिसाइल, ये भी सरफेस टू एयर वाई मिसाइल है जो सुपरसोनिक है, जो काफ़ी आपको या दुश्मन को नुकसान पहुंचा सकता है। क्लियर हुआ इतना दूर, आगे बढ़ें। तो ये हुआ आपका IGMDP पूरा पार्ट, ठीक है। स्टार्ट कब हुआ 1983, ख़त्म कब हुआ वर्ष 2008, ठीक है। अब बात करते हैं भारत का सबसे ताकतवर मिसाइल में से एक, जिसे हम कहते हैं ब्रह्मोस। भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रशिया की मस्कवार नदी के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ये क्या है, ब्रह्मोस मिसाइल है। ये नाम ब्रह्मपुत्र और मस्कवा दोनों को संयुक्त नाम देके हमने क्या कहा, ब्रह्मोस कहा, यानी कि कह सकते हैं भारत एवं रूस की एक संयुक्त उपक्रम के द्वारा निर्मित महत्वपूर्ण मिसाइल, यानी कि इंडियन टेक्नोलॉजी रशियन टेक्नोलॉजी का एक मिश्रण, एक नायाब, एक अचूक और कह सकते हैं एक विशिष्ट प्रकार का जो मिसाइल है वो है ब्रह्मोस। और आज के डेट में देखते हैं अगर हमको चाइना जिस चीज़ से डरता है, यूएसए जिस चीज़ से डरता है या पाकिस्तान जिससे हमको डरता है, तो कहने का मतलब सबका एक ही नाम है, वो ब्रह्मोस से डरते हैं। क्योंकि ब्रह्मोस इतना अत्याधुनिक है कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये ब्रह्मोस 1 तो बहुत पहले आ गया था, अभी ब्रह्मोस 3 पे काम कर रहे हैं और ब्रह्मोस 2 ही सुपरसोनिक हो चुका है, ब्रह्मोस 3 हाइपरसोनिक हो सकता है। तो याद रखिए बहुत ही खतरनाक मिसाइल है, और ब्रह्मोस जो है ब्रह्मपुत्र मस्कवा नदी के नाम पे ये पड़ा है नाम, ठीक है। तो इतना दूर क्लियर होगा आपका ब्रह्मोस के बारे में, ब्रह्मोस के रेंज क्या हैं और वो सब चीज़ें हम फिर से देखेंगे जब इसे देखेंगे तो डिटेल में। तो देखो ब्रह्मोस का रेंज अगर पूछा जाए तो आप 1 का रेंज अलग हो सकता है, 2 का रेंज अलग हो सकता है, 3 का रेंज अलग हो सकता है। 3 इज़ अंडर डेवलपिंग, जिसका टेस्ट हो चुका है, ठीक है, अंडमान निकोबार के आइलैंड पे, ठीक है। तो ये आपका ब्रह्मोस है। पूछा क्या जाता है ब्रह्मोस क्या है, तो ये सुपरसोनिक है ये लिखेंगे आप, कहाँ कहाँ कौन से देश सहयोगी देश था, रशिया लिखेंगे आप, ठीक है। ब्रह्मोस का परास अगर पूछा जाए तो ये कम परास से ज़्यादा मध्यम परास भी जा सकता है ये, ठीक है। लेकिन चूंकि ये काफ़ी हैवी होता है, बड़ा होता है, तो ये इसका अभी इंटरकॉन्टिनेंटल वर्जन हम विकसित नहीं कर पाए हैं। अंतर महाद्वीपीय मिसाइल इसका अभी ब्रह्मोस का हम विकसित नहीं कर पाए, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम धीरे से उसे विकसित कर लेंगे, लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो एग्ज़ाम के हिसाब से मैं ये फैक्ट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब यदि आप इन तीनों को कवर कर लिए हैं तो हम फिर महत्वपूर्ण मिसाइलों की ओर चलते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताया हूँ कि कुछ महत्वपूर्ण मिसाइल, सबको ये लिस्ट इतनी इम्पॉर्टेंट है, एक न एक प्रश्न यहाँ डेफिनेटली आएगा। तो ब्रह्मोस आप कह सकते हैं 300 किलोमीटर के आसपास का रेंज होता है इसका, सुपरसोनिक है, ब्रह्मोस 2 सुपरसोनिक है, मैंने बताया ब्रह्मोस 3 पे काम चल रहा है और टेस्ट भी हो चुका है, हो सकता है वो हाइपरसोनिक बने। और अग्नि सीरीज की अग्नि फैमिली जब आते हैं तो अग्नि फैमिली देखिए यहाँ तक है, तो अग्नि 1 जो है 700 से 1250 किलोमीटर मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, अग्नि 2 2000 से लेके 2500 किलोमीटर मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। अच्छा अग्नि 1 क्या है, SRBM भी है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन उसका एडवांस जो है MRBM है, इसलिए मतलब उसका अधिकतम जो परास है MRBM बन चुका है, तो इसलिए मैंने MRBM लिखा है। अग्नि 3 3500 किलोमीटर इसका रेंज है और IRBM इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 4 4000 किलोमीटर का रेंज है और इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। उसके बाद आता है अग्नि 5 5000 से 6000 किलोमीटर, ये देखिए यहाँ पे ICBM डेवलप होता है, यानी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ये है आपका और ये है। तो तब तक हम क्या, अग्नि 4 तक हम इंटरमीडिएट रेंज में थे, यानी 5000 किलोमीटर के अंदर हुआ करते थे, जैसे ICBM बनाए हम 5000 किलोमीटर के ऊपर चले गए, ठीक है। तो आपको इसमें पूछा क्या जाता है बता रहा हूँ, देखो इसको दो चीज़ें आप इसमें समझिए, खासकर पूछा जाता है अग्नि 5 के बारे में,
क्योंकि ये ICBM वर्जन हमने विकसित किया और काफ़ी दूरी तक है, ठीक है। और यहाँ देख रहे हैं 5000 किलोमीटर के अंदर की चीज़ें हैं, तो ये क्या है, इंटरमीडिएट रेंज हो गया। तो यहाँ पे एक चीज़ आप याद भी रखें, जैसे कि आप 4 है तो ये 4000, अग्नि 4 तो 4000, अग्नि 3 तो 3500 आस पास, ऐसा लिखिए अग्नि 2 तो 2000 से 2500। तो इस प्रकार आप क्या करें, आसानी से हम इसे एक ट्रिक के आधार पे या एक लॉजिक लगा के आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन जब अग्नि 6 की बात आती है, जो मिसाइल IGMDP यानी एकीकृत मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के समाप्त होने के बाद स्टार्ट हुई थी, इसका रेंज है 8000 किलोमीटर से 10000 किलोमीटर तक, यानी कि दुनिया के किसी कोने में अगर कोई बहुत दूर भी है तो उसे आसानी से हम यहाँ भारत में बैठे बैठे उसे नष्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी मिसाइल क्षमता को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, और ऑब्वियसली इसका श्रेय फिर से जाता है टेसी थॉमस और उनकी टीम को। तो ये याद रखिए, ये भी ऑब्वियसली ICBM होगा क्योंकि अंतर महाद्वीपीय दूरी तय करेगा। इसके बाद देखो पृथ्वी भी क्या है, बेसिकली ये क्या है, पृथ्वी परिवार की मिसाइलें क्या होती हैं, बैलिस्टिक होती हैं, मैंने बताया था। इसका रेंज है 150 से 350, 150 है पृथ्वी 1, 250 है क्या पृथ्वी 2, 350 आसपास पृथ्वी 3 हो सकता है, या फिर कह सकते हैं पृथ्वी 2 और 3 जो है इसका रेंज भी 350 हो सकता है। लेकिन याद क्या रखनी बात है इसमें, कि यदि धनुष यानी पृथ्वी 3 की बात की जाए, वो नेवल वर्जन है, यानी कि वो नौसैनिक संस्करण है, नौसेना संस्करण है, याद रखिए। त्रिशूल देखिए, मैंने बताया था ना कि कम दूरी और कम हाइट पे ये यूज़ होता है, तो 9 किलोमीटर ये क्या है, सरफेस टू एयर यानी सतह से हवा, ऊपर देखो S2S का मतलब सरफेस टू सरफेस, सतह से सतह। तो त्रिशूल मैंने क्या कहा, सरफेस टू एयर, ठीक है, सतह से हवा। आकाश मिसाइल भी मैंने बताया था, एक सुपरसोनिक मिसाइल है जो सतह से हवा में मार करती है, ये भी कम दूरी की बात है, 25 से 30 किलोमीटर। नाग मिसाइल जो है एंटी टैंक मिसाइल है, ये वही मिसाइल है जो मैं बताया था कि हेलीकॉप्टर में लोड करके इसे दाग सकते हैं और कहीं पे भी आपको वो ढूंढ के मारेगी, दागो और भूल जाओ के तकनीक पे कार्यरत होती है ये, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आपका नाग मिसाइल हो गया। सौर्य मिसाइल जो है, कुछ और मिसाइल है, ये मिस्टेनियस देख रहे हैं, 600 किलोमीटर का है, सरफेस टू सरफेस, सतह से सतह। सागरिका मिसाइल 700 किलोमीटर, ये भी सतह से सतह, इनमें रेंज का ही थोड़ा सा अंतर आप देख पा रहे हैं, बाकी दोनों सतह से सतह मिसाइल हैं, ठीक है। तो इसे इस प्रकार याद रख लें। और अस्त्र मिसाइल होता है 40 से लेकर 100 किलोमीटर के रेंज पे, वो क्या होता है, हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल है, ऑब्वियसली ये जब उड़ान के दौरान आप अटैक करेंगे किसी को तो ये एयर टू एयर वाला हो जाएगा। और निर्भय मिसाइल लास्ट, ये भी क्या है, एक 800 से 1000 किलोमीटर के रेंज में मार करने वाली सब सोनिक क्रूज मिसाइल है। तो ये महत्वपूर्ण लिस्ट मत भूलिए, यहाँ से प्रश्न डेफिनेटली पूछे जाते हैं, आप बहुत इसे आप चाहें तो पॉज करके इसे पूरा नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी पे और इसे रिवाइज कर सकते हैं। मैंने वही सभी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया कि SRBM क्या है, MRBM क्या है, उन्हीं रेंज को मैंने पहले बताया और उसके आधार पे मैंने किलोमीटर को फिट कर दिया। तो ये बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से पूरा लिस्ट आपको मिला है, इसे केयरफुली आप नोट करिए और आसानी से इसे आप रिलेट करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। इतना दूर अगर आपको क्लियर हो गया है तो हम आगे बढ़ते हैं कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें, जैसे कि कुछ हमारी निगरानी प्रौद्योगिकी है, ड्रोन है, राडार है आदि, इसकी ओर। तो अगर हम इसे आप इतना दूर कंप्लीट कर लिए हैं तो हम इसे आगे बढ़ते हैं। तो हम देख रहे थे कि अब आगे जो हमारा पार्ट है निगरानी प्रौद्योगिकी यानी ड्रोन और राडार वगैरह जो आते हैं, तो इसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो आप जैसे नेत्र को आसमान की आंख भी कहा जाता है, क्योंकि ये कम से कम 200 किलोमीटर के एरिया पे ये आसानी से स्कैन करके आपको सब चीज़ों को जानकारी आपको प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। तो ये नेत्र का पार्ट हो गया। रुस्तम 1, रुस्तम 2, रुस्तम भी ये क्या, एक अत्याधुनिक एक ड्रोन है और उससे भी एडवांस है रुस्तम 2। इसे क्या कहते हैं कि एक ऐसा ड्रोन है जो काफ़ी सटीक तरीके से आपको जानकारी उपलब्ध कराता है। इस प्रकार निशान, पंक्षी, ये सब लक्ष्य, दक्ष वगैरह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सब क्या है, एक्चुअली एग्जांपल है ड्रोन के। और यदि देखा जाए तो इसे लक्ष्य, दक्ष ऐसे जितना भी परमाणु ऐसे चीज़ जहाँ पे जैसे बम को निष्क्रिय भी करना है तो ये दक्ष है इस मामले में, तो ऐसा आप याद रख सकते हैं।
किसी पर्टिकुलर क्षेत्र को आप लक्ष्य दिया जाए तो वो क्षेत्र में जाके आपको पूरी आपको जानकारी प्रोवाइड कर सकता है ये लक्ष्य। तो ये बेसिकली क्या है, ये पंछी जो है बेसिकली जो बर्ड्स टाइप का जो जो मेथड होता है उड़ते उड़ते जाती है दूर तक और आपको जानकारी उपलब्ध कराती है, आपका पंछी ड्रोन हो गया। अब देखते हैं राडार में, देखते हैं कुछ प्रमुख राडार, जैसे देखते हैं अर्पणा है, रोहिणी है, शांत है, इंद्र 2 है, BFSR, WLR। ये बेसिकली ऐसा है, देखिए अर्पणा भी एक अत्याधुनिक राडार है और रोहिणी भी एक अत्याधुनिक राडार है जो उस क्षेत्र का पूरा विश्लेषण करके आपको जानकारी प्रोवाइड करती है। शांत है, शांत ऐसा है कि ये उन क्षेत्रों में जाती है जहाँ पे ज़्यादातर यदि देखा जाए कि दुश्मन को बिना कुछ कहे और बिना कुछ देखे दिखाए वो आसानी से अपना काम करती है, यानी कि दुश्मन की आँखों के नीचे, नाक के नीचे जाके क्या करती है, ये आपको जानकारी प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, तो ये वो राडार है। इंद्र 2 भी एक प्रकार का है राडार है, BFSR बैटल फील्ड सर्विस राडार। ये बेसिकली क्या है, जैसे युद्ध चल रहा है, कुछ सैनिक जो ज़मीन से रेंगते हुए जा रहे हैं, कुछ छुप के जा रहे हैं, तो उसकी जानकारी बैटल फील्ड से संबंधित सभी जानकारी इस राडार के द्वारा मिलती है। WLR ये भी क्या होता है कि जैसे कुछ ऐसे जो होते हैं वेपन्स लोकेटिंग राडार, यानी कि कुछ क्षेत्रों में जैसे छुप के कोई आप पे अटैक कर रहा है और कुछ ऐसे क्षेत्रों में से आपको लगातार आपको आक्रमण झेलने पड़ रहे हैं, तो आपका वेपन्स लोकेटिंग राडार अचानक आपको उस क्षेत्र में जाके वो पूरा स्कैन करके आपको जानकारी प्रोवाइड करता है। तो ये हो गई, ठीक है। इनके नाम याद रखिए, ड्रोन और राडार के खास करके नाम से ही पूछा जाता है कि ये क्या है, राडार है, ड्रोन है, क्या है, तो बस इतना ही इसे पूछा जाता है। इनकी स्पेशलिटी पे जनरली क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, फिर भी मैंने आपको इसे बताया। इस प्रकार टैंक देखते हैं, टैंक लाइक तोप का एक लेटेस्ट वर्जन, टैंक क्या है, चलते रहता है वो, उसमें धागा भी जा सकता है और वो अलग अलग प्रकार के टैंक हो सकते हैं। अर्जुन टैंक है, डॉक्टर कलाम साहब ने इसे बनाया था, है ना। उसके बाद T-90 भीष्म टैंक है, ये थर्ड जनरेशन की आधुनिक जो है टैंक है। और उसके बाद कर्ण है, कर्ण के बारे में खास बात, ये रात को भी अचूक गोला दाग सकता है, यानी कि इसका निशाना बहुत सटीक रहता है। मंत्रा भारत का पहला मानव रहित टैंक है और ये इसके 3 वर्जन हैं, जैसे कि मैं देख रहा हूँ S मतलब सर्विलांस के लिए, यानी कि उस क्षेत्र के पूरा आपको उस एरिया का पूरा निगरानी करके आपको देगा। माइंस एरिया में इस टैंक को भेजा जाए तो माइंस को डिटेक्ट करके आपको बताएगा। N का मतलब न्यूक्लियर, यानी कि यदि कोई एरिया में आपको खतरा है, जैसे कि मान लो परमाणु हथियार उधर होंगे, या फिर कह सकते हैं जैसे माइंस एरिया होता है, माइंस एरिया में कई बार विस्फोटक से कुछ चीज़ें विस्फोटक के द्वारा विस्फोटक भी वहाँ प्रयोग किए जाते हैं, तो उन एरिया में आप ये मंत्रा N भेज सकते हैं जो सब चीज़ को लोकेट करके डिटेक्ट करके आपको बता देगा। ठीक है, उसके बाद एक मिलान 2T आया है, एक्चुअली में टैंक नहीं है, ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, मिलान 2T। तो इस प्रकार ये चीज़ें भी आप कुछ प्रमुख नाम हैं, इसे ज़रूर याद रखिए। अब देखते हैं कि कुछ हम देखे थे कुछ अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उत्पाद में भी देखते हैं, तो ये हमें इसे 2 भाग में बांट देते हैं। तो पहला भाग देखते कुछ जैसे अस्त्र के बारे में हम वहाँ चीज़ें नहीं देख पाए थे। तो अस्त्र क्या है कि स्वदेशी, पहला ऐसा स्वदेशी मिसाइल है जो हवा से हवा मार करती थी, उसका नाम है अस्त्र। ये भी कम से कम शॉर्ट रेंज का है, करीब कह सकते हैं 250-300 किलोमीटर के आसपास का रेंज का होता है। और जो है पिनाका, इसके बारे में एग्जाम में आ चुका है, ये क्या है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जो मात्र कुछ सेकंड में, करीब कह सकते हैं, जैसे मेरे पास जो डेटा इसके बारे में उपलब्ध है वो डेटा मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि 44 सेकंड में 12 रॉकेट लॉन्च कर सकता है, 44 सेकंड में 12 रॉकेट लॉन्च कर सकता है पिनाका। तो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। तेजस के बारे में पूछा जा चुका है, ये हल्का लड़ाकू विमान है और इसकी सबसे बड़ी खास बात है विश्व का सबसे लाइटेस्ट और सबसे छोटा लड़ाकू विमान है। ठीक है, तो तेजस के बारे में पूछा जा चुका है एग्जाम में, PSC में हाल में। और चिनुक क्या है, हम बोइंग कंपनी से सीधा हेलीकॉप्टर खरीदे थे जिसका नाम है चिनुक। ठीक है, तो ये नाम बड़े इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, तो आपने पहला देख लिया। अब दूसरा देखते हैं इधर, कुछ अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उत्पाद में ध्रुव एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है जो काफी ज्यादा प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैं बताया था कि ध्रुव हेलीकॉप्टर से आप नाग मिसाइल दाग सकते हैं, और नाग मिसाइल क्या है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, मैं बता चुका हूं पहले, ठीक है। तो ध्रुव जो है एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है। IL-78 एक विमान है बेसिकली, जो दूसरे विमानों में रिफ्यूलिंग का काम करता है, यानी कि उस चलते हुए विमान में हवा से आपको क्या करना है, ईंधन भरना है, तो इसमें काम आता है। काली 5000 एक शक्तिशाली बीम अस्त्र है कि जिस एरिया में ये बीम अस्त्र को आप एक्टिव कर देते हैं तो उस एरिया का पूरा कम्युनिकेशन पूरी तरह से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है, यानी कहना चाहिए जैम हो जाता है, जिससे कि एक जैसे युद्ध क्षेत्र में क्या होता है, कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर आप बीम अस्त्र वहाँ एक्टिव कर दिए तो एक दूसरे से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे, तो आसानी से आप दुश्मन को हरा सकते हैं। ठीक है, इतना दूर आप क्लियर हो गया। तो इस प्रकार आप देखते हैं आपका ये पार्ट भी कवर हो जाता है। इसके बाद देखते हैं रक्षा क्षेत्र के संयुक्त उपक्रम कंपनियां और सबमरीन को भी हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए अब इसे बात करते हैं। इस सीक्वेंस में आगे जो चीज हमको देखना है, तो जैसे पनडुब्बी है ना, पनडुब्बी यानी सबमरीन, इसे जैसे देखा जाए आप इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि भारत में पनडुब्बी भी एक बहुत बड़ा योगदान देता है रक्षा क्षेत्र में आपको सक्षम बनाने के लिए। तो सबमरीन या पनडुब्बी जो होते हैं, एक्चुअल में ये टेक्नोलॉजी भारत में विकसित एक क्रमिक विकास के साथ हुआ है, इसका विकास कह सकते हैं एक सिस्टमैटिक तरीके से हुआ है। तो जैसे जब पनडुब्बी की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास पनडुब्बी नहीं था, तो हम किससे आयात किए, हम रूस से आयात किए, क्योंकि रूस जो है काफ़ी समय से हमारा एक घनिष्ठ मित्र रहा है और हमेशा हमको मदद करता रहा है। तो भारत में देखा जाए तो सबसे पुराना कहना चाहिए नौसेना का जो सबसे पुराना जो दोस्त है या सबसे पुराना जो साथी रहा है वो INS विराट है। ठीक है, और INS विराट एक ऐसा पनडुब्बी है जो काफ़ी समय से नौसेना में यह रहा है। उसके बाद बात आता है INS विक्रमादित्य की बात करें तो INS विक्रमादित्य भारत का सबसे बड़ा और सबसे नवीनतम पनडुब्बी है आज के डेट में। और INS अकुला की बात करें तो ये भारत का पहला परमाणु संपन्न वाला पनडुब्बी था, लेकिन इसे आयात किया गया था रशिया से। ठीक है, तो भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी जो रशिया से आयातित थी वो क्या थी, INS अकुला थी। ठीक है, इसके बाद INS अरिहंत, ये भी क्या है, एक एक्चुअल में क्या है, एक परमाणु पनडुब्बी है, यह भी न्यूज़ में रहता है इसलिए आपको इसे बताया गया है। INS चक्र के बारे में याद रख लें, INS चक्र वास्तव में भारत की खुद के द्वारा डेवलप की गई ही पहली परमाणु पनडुब्बी है। ठीक है, मैं रिपीट करूंगा, इसमें और इसमें अंतर क्या है, ये भी परमाणु पनडुब्बी है लेकिन ये रूसिया से आयातित है। INS चक्र भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है जो खुद के द्वारा विकसित भी है। INS अरिहंत ये भी क्या है, एक परमाणु पनडुब्बी है जो न्यूज़ में रहता है इसलिए इसका उल्लेख किया गया है। INS विराट सबसे जो है पुराना कह सकते हैं जो हमारा पनडुब्बी था ये है, सबसे नवीनतम जो है INS विक्रमादित्य है। ये वैसे तो देखा जाए तो बहुत सारे और पनडुब्बी हैं, लेकिन कुछ जो प्रमुख मैंने है जो पूछा जाता है उसका मैंने उल्लेख किया। जैसे कि ये होता है INS चक्र, INS चक्र क्या है, परमाणु पनडुब्बी है, तो परमाणु पनडुब्बी के पहले क्या है, डीजल इलेक्ट्रिक स्कॉर्पियन सीरीज के भी क्या है, जितने पनडुब्बी हैं वो विकसित हुए हैं। तो वो सब क्या होते हैं, अटैकिंग नेचर के, अटैक सबमरीन जिसे कहते हैं वो होते हैं। तो वैसे INS चक्र भी क्या है, एक अटैक सबमरीन है जो क्या है, परमाणु ऊर्जा का प्रयोग करता है, यानी परमाणु हथियार भी वो ले जा सकता है। ठीक है, तो ये परमाणु संपन्न वाला INS चक्र है, लेकिन यदि इसमें आप देखें तो कुछ और नाम भी आता है, जैसे INS कलवरी, INS सिसुमार, ठीक है, INS सिंधु घोष, तो ये सब क्या है, ये भी अटैकिंग सबमरीन है और लेकिन ये क्या है, परमाणु सबमरीन नहीं है। ठीक है, इसकी खास बात क्या, INS चक्र परमाणु सबमरीन है, न्यूक्लियर सबमरीन है और ये अटैक सबमरीन है, किंतु मैं बोला INS कलवरी, INS सिसुमार, INS सिंधु घोष वगैरह वर्ड यूज़ किया जाए, ये भी क्या है, ये वास्तव में वो भी
अटैक सबमरीन है किंतु परमाणु पनडुब्बी नहीं है, यानी कि वो स्कॉर्पिन सीरीज वाले हैं, यानी कि डीजल इलेक्ट्रिक श्रेणी वाले। ठीक है, तो ये परमाणु, ये पनडुब्बी के बारे में बस इतना जान लो, आपका काफ़ी काम आसान हो जाता है। या तो प्रश्न इनसे संबंधित पूछे जाते हैं, यदि नहीं भी पूछे जाते हैं तो ये अगर ऑप्शन है तो आप आसानी से एलिमिनेट कर देते हो इनको, क्योंकि इसके बारे में आपको जानकारी हो गई है। अब भारत में रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम भी हैं, बहुत सारी कंपनियां कार्यरत हैं जो रक्षा उत्पाद बनाती हैं। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डीआरडीओ का उल्लेख किया था, तो डीआरडीओ भी बहुत सारे उत्पाद बनाते हैं, इसके अलावा ये सब भी बहुत सारे उत्पाद बनाते हैं और इनको वो कंपनियों को भी टेंडर मिलता है उन रक्षा उत्पाद बनाने के लिए। तो जैसे मझगांव डॉक लिमिटेड एक है, वर्ष 1934 में ये इसकी स्थापना हुई थी। तो ये उनका नाम याद रखिएगा, मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई, इसका हेडक्वार्टर, वर्ष 1934 में स्थापना हुई थी। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जिसे कहते हैं, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता में, वर्ष 1934 स्थापना वर्ष। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, वर्ष 1941 स्थापना वर्ष, हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड या BEL भी इसे कहा जाता है, वर्ष 1954 में स्थापना हुई और बेंगलोर इसका हेडक्वार्टर है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, अब गोवा वर्ड ही है तो इसका हेडक्वार्टर भी गोवा ही है। उसके बाद इसकी स्थापना वर्ष 1957। ठीक है, आप देखिए आज़ादी के पूर्व और आज़ादी के बाद की स्थिति में ये लाइन आप खींच सकते हैं। इसके ऊपर जो है ये आज भी कार्यरत हैं और इनकी स्थापना आज़ादी के पूर्व हो चुकी थी। ठीक है, अब आते हैं हाल, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है ये, इनके बारे में जान लें। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बेंगलुरु इसका हेडक्वार्टर है, वर्ष 1964 में स्थापना की गई है। और देख रहे हैं कि ये न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा रहा है, तो इसका स्थापना वर्ष भी आप याद कर लें, 1964। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, वर्ष 1964 में ही, बेंगलुरु में ही, यानी इनमें ये चीज़ कॉमन है। देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड में ये चीज़ कॉमन है, स्थापना साथ में ही, हेडक्वार्टर भी सेम है। इसके बाद भारत डायनामिक्स लिमिटेड, वर्ष 1970, हेडक्वार्टर हैदराबाद। मिश्र धातु यानी एलॉय, मिश्र धातु निगम लिमिटेड, वर्ष 1973 में स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में। तो इस प्रकार आप देखते हैं आपका ये रक्षा क्षेत्र की जो सार्वजनिक उपक्रम है, ये लिस्ट भी मैंने आपको शेयर किया। अब यदि इस लिस्ट में इंपॉर्टेंट क्या है पूछा जाए, तो देख लीजिए इसमें दो टाइप के क्वेश्चन जनरली बनते हैं। ये कंपनी दे दिया है और हेडक्वार्टर दे दिया, उसको मैच करना होता है। ईयर आपको पूछा जाए तो बहुत आसानी से ईयर याद कर सकते हो, आज़ादी के पूर्व वाले तीनों को ऊपर फिल्टर कर दो, आज़ादी के बाद वाले में आप इनको फिल्टर कर दो, नीचे कर दो। और इसमें देखते हैं ये कॉमन है, ये कॉमन है, तो 60 के दशक में दो हुए थे, ये कॉमन है, और फिर 70 से 80 के दशक में भी ये हुए थे। तो आसानी से आप इस प्रकार ईयर याद कर सकते हो, क्योंकि दूसरे टाइप के क्वेश्चन ये भी पूछे जा सकते हैं। हो सकता है आपको वर्ष पूछा जाए, खासकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का, या फिर अगर वर्ष नहीं भी पूछा जाए तो इसकी स्थापना का क्रम पूछा जाएगा, तो ये भी एक संभावित प्रश्न हो सकते हैं। ठीक है, तो एक तीसरा टाइप का ये भी हो सकता है, इनमें से कौन रक्षा क्षेत्र का सार्वजनिक उपक्रम नहीं है, या इनमें से कौन रक्षा क्षेत्र की कंपनी नहीं है, ये भी पूछा जाएगा। तो आसानी से इन चीज़ों को याद करने के बाद जो नहीं होगा आसानी से उसे एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये पूरा रक्षा प्रौद्योगिकी का पूरा संपूर्ण पाठ आपने बहुत ही सटीक तरीके से और बहुत ही कहना चाहिए कंटेंट रिच, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट समाहित होने की कोशिश किया हूँ मैं। और इन चीज़ों को अगर आप रिवाइज करें, थोड़ा नोट कर लें और एग्ज़ाम से पूर्व इसे पढ़ के जाएं, तो डेफिनेटली एक प्रश्न यहाँ या दो प्रश्न या तीन प्रश्न डेफिनेटली यहाँ संभावित होते हैं, और ये एग्जामिनर का भी बहुत फेवरेट जोन होता है। ठीक है, ना केवल PSC, बाकी एग्जाम्स में भी इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इस प्रकार ये इसे आप बार बार जरूर देखें। ठीक है, तो ठीक है, आपका ये रक्षा प्रौद्योगिकी के पाठ संपूर्ण रूप से कवर होता है। अब बात करेंगे हम आने वाले चैप्टर में दूसरे प्रौद्योगिकी के बारे में। थैंक यू। तो फिर देर किस बात की, अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.competitioncommunity.com। इसके अलावा इस मोबाइल कोर्स से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए आप हमें इन दिए गए नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं।
और हाँ, इसके अलावा आप एक डेट और सेट कीजिए, 22 दिसंबर 2019 इस दिन से लॉन्च होने वाला है FTR यानी कि फास्ट ट्रैक रिविजन कोर्स हमारे YouTube चैनल पर। तो अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें और हमारे वीडियोज को लाइक करें।